बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चार बानो, आप मेरा चैनल देख रहे हैं किचन विद चार बानो। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कबाब मसाले की रेसिपी। ये बहुत ही स्पाइसी और मज़े का मसाला बनता है। आप इसको चप्पल कबाब, टिक्का बोटी या फिर कोई भी कबाब में आप इसको डाल सकते हैं और इसको बनाकर इजी आप 6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। और मेरी आप सब लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें मसाला बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए लौंग, जो मैंने 10 से 15 अदद लौंग लिए हैं, बड़ी इलायची 3 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, जायफल का मैं जो मैंने आधा टुकड़ा लिया है, और ये जावत्री का भी जो मैंने 1 टुकड़ा लिया है, काली मिर्च ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, बादियान के फूल 4 अदद, दालचीनी 4 से 5 तकरीबन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, सुरख मिर्च साबत वाली सुरख मिर्च ली है 5 से 6 अदद सुरख मिर्चें हैं, कबाब चीनी 1 खाने का चम्मच फुल भर के, और ये हमारा ज़ीरा है 100 ग्राम ये हमारा ज़ीरा है। अब सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले डालेंगे सुरख मिर्चें, बादियान के फूल, लौंग छोटी और बड़ी इलायची, काली मिर्च, कबाब चीनी, जायफल और जावत्री, दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। इसको डालकर चंद सेकंड इसको भूनेंगे। मैंने इसको चंद सेकंड भून लिया है। आप देख सकते हैं जो ज़ीरे का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करते हैं। अब हम इसको ब्लेंडर में सारे जो मैंने मसाले रोस्ट किए हैं इसको ब्लेंडर में डालेंगे। अब हम तमाम मसालों को ब्लेंड करते हैं। हमारा कबाब मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये थी मेरी आज की कबाब मसाले की रेसिपी। उम्मीद है आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। अपने दुआ में याद रखें।